हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द विजनर ट्रेडर्स। सो आज के स्टूडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी के लिए 16 अगस्त जो कि वेनसडे के दिन बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो चलिए उसके पहले आज यानी कि मंडे के दिन 14 अगस्त 2023 को बैंक निफ्टी कैसे वर्क किया है आपको बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि बैंक निफ्टी में दो ट्रेंड लाइन चल रही है, समर ऑन दिस लेवल पे और एक लेवल पे, जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग वो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। तो नो डाउट फिर उसके बाद आज खुलते ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद नो डाउट एक अच्छा खासा सेलअप का प्रेशर आया। ये 15 मिनट्स का कैंडल है, अगर आप 5 मिनट्स का कैंडल भी देख सकते हैं तो फिर ये इतना ही बड़ा शायद से कुछ था कुछ तो कैंडल है, लेकिन ये बहुत बड़ा बेरिश कैंडल था। फिर उसके बाद मार्केट एक साइडवेज होना या फिर वोलेटाइल होना, हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि मार्केट उसी तरह से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता रहा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर हम लोग देखें तो फिर ये मार्केट देख सकते हैं कि ये जो अगर हम लोग कैंडल का हम बात करें तो ये देख सकते हैं इसका हाई देखिए समर अराउंड 44,100 के आसपास से ये कैंडल लगभग 43,800 लगभग 300 पॉइंट्स का एक कैंडल है। 300 पॉइंट्स का कैंडल में मार्केट में पहले 15 मिनट के साथ ही मार्केट नीचे आ गया था। तो नो डाउट उसके बाद एक मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक बनता था, तो शायद से मेरे हिसाब से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक फिर मार्केट देखिए यहाँ तक फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए 44,000 को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 44,000 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने सेकंड हाफ के टाइम में मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट ने फिर से इसको यहाँ पे टेस्ट किया है। तो नो डाउट अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा बिल्ड हुआ है। तो अब ये जो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है रेंज के आउटसाइड ओपन हुआ तो फिर ये ट्रेंड लाइंस इनवैलिड हो चुके हैं गाइस, तो फिर इन ट्रेंड लाइंस का भी कुछ मतलब नहीं बनता। तो अगर हम लोग अभी की बात करें तो मार्केट देख सकते हैं मार्केट स्टिल अभी भी बैरिश है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो भी मैंने आपको बोला था 44,000 मार्केट में एक मेजर सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पे एक एक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपने मार्केट ने एक बुलिश कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के उसका सेकंड में हाई ब्रेक किया और नो डाउट लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए अगर वेनसडे के दिन अगर कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी मार्केट को, अगर वेनसडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है समर अराउंड दिस लेवल पे समर अराउंड 100 के पॉइंट्स के मूवमेंट में, मान लीजिए कि 44,000 से लेके 44,100 के लेवल पे अगर समर अराउंड मार्केट इसी किसी भी एरिया में ये 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर मार्केट खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट को, हम उन लोग को देखेंगे कि मार्केट 44,000 के आसपास जो हमारा मेजर सपोर्ट है मार्केट ये एरिया के आसपास किस तरह से ट्रेड करता है। अगर मार्केट यहाँ पे आकर मार्केट यहाँ पे आके कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना के कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो नो डाउट क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे 44,300 तक के हमको लेवल मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देख सकते हैं परसों के दिन मार्केट कल क्लोज यहाँ पे हुआ था जो कि था 44,300 का लेवल। अगर हम लोगों ने मार्केट का आज ये गैप अगर देख सकते हैं मार्केट ने बस इतना ही गैप पे भरा है, मार्केट ने अभी तक ये छोटा सा गैप मार्केट के लिए अभी पेंडिंग है। तो नो डाउट अगर कल बाइंग अगर परसों के दिन बाइंग अगर हैपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट हो सकता है कि 44,300 या फिर 44,400 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर हम लोग फिर यहाँ पे जैसे मार्केट आता है तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग की एंट्री के लिए प्लान करेंगे। हम लोग देखेंगे कि समय अराउंड कुछ शूटिंग स्टार बन रहा है या फिर कुछ एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है एम पैटर्न बन रहा है तो हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री लेके 1:2 हम लोग को अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन होता है कि समवेयर अराउंड 44,300 के आसपास तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा पैनिक सिनेरियो हो जाएगा क्योंकि मार्केट क्लोज तो सपोर्ट के लेवल पे हुआ था लेकिन ओपन हुआ है यहाँ पे 44,300 जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेने का ट्राई किया था लेकिन ये बहुत छोटा सा मिनिमम सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट 44,400 के लेवल पे जाए, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर 44,400 ये जो रेंज है यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने OI डाटा देखा है यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक लोअर लो बना के मार्केट फिर से 44,000 का लो टेस्ट कर सके। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है 44,300 के लेवल पे तो हो सकता है कि मार्केट हमको एक वोलेटाइल देखने के लिए मिल जाए। अगर हम ये भी डिस्कस कर लेते कि मान लीजिए किसी न्यूज़ की वजह से कुछ कारण की वजह से मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है समराउंड 44,000 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है तो
तो हम इमिडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे, सेलिंग में तभी प्रेफर करूंगा जब मार्केट ये स्विंग जो है मार्केट जैसे ये स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया, एक 15 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे क्लोज होने दीजिए, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट हाई तोड़ने दीजिए, फिर उसके बाद ही हम लोग सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आज बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर चुका है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल ऑफ किया रहेगा इस लेवल पे भी सेल ऑफ किया रहेगा, जिनका टारगेट ये रहा होगा 43,650, यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए रहेंगे। तो नो डाउट, अगर मैंने फिर से मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट समय कुछ भी अगर मार्केट बिलो ओपन होता है 44,000 के बिलो यहाँ पे ओपन होता है, तो हम लोग पहले वेट करेंगे जिस तरह से ओवर डाटा या फिर लाइव डाटा के हम लोग ऊपर काम करेंगे, लेकिन मैं सेल करना तभी पसंद करूँगा जब मार्केट लास्ट का स्विंग जो बनाया मार्केट ने, ये मार्केट स्विंग ये क्रॉस करे। जैसे मार्केट ये स्विंग क्रॉस कर देता है तो मैं सेलिंग करने के लिए प्रेफर करूँगा। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, फिर उसके नीचे का टारगेट मेरा रहेगा 43,500 एंड 43,500, फिर उसके नीचे के मेरे टारगेट्स रहेंगे अच्छे खासा है कि जो कि 43,000 एक अच्छा खासा हमारे लिए टारगेट हो सकता है, क्योंकि जो कि एक राउंड लेवल भी मार्केट के लिए है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी डेली चार्ट पे अगर एनालिसिस करके मैं आपको दिखा दूँ, डेली चार्ट पे अगर हम लोग चले गए, सॉरी अगर हम लोग अभी डेली डेली चार्ट पे जाकर अगर हम लोग देख सकते हैं तो मार्केट के लिए अभी देख सकते हैं कि आप लोग मार्केट में एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन चुका है, लेकिन मार्केट ने अभी यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो मार्केट में अच्छा खासा सा बन चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट ये सेम लेवल के सपोर्ट पे ना यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक देने का या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट देने का ट्राई कर रहा है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये पुल बैक ज़्यादा ये नहीं होगा, यहाँ से मार्केट पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। नो डाउट आपको आने वाले टाइम में मार्केट 43,200 या फिर 43,000 या फिर 42,500 के लेवल्स तक के मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट ने अपना जो भी हेड एंड शोल्डर का जो निकला है मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। मार्केट ने यहाँ पे जो भी हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन था मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, बस अभी मार्केट ने क्लोजिंग अगर वेनसडे के दिन अगर मार्केट क्लोजिंग अच्छा खासा नीचे दे देता है तो नो डाउट हमको आने वाले टाइम में अच्छा खासा बेरिश मार्केट देखने के लिए मिलेगा, जो हमको 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का हमको एक डाउनसाइड का एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी जैसे कि मैंने पहले आपको अभी बता ही दिया है कि कौन कौन से टाइम आपको को कैसे परसों के लिए ट्रेड करना है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। तो चलिए गाइस, हमारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स में इन सब का चार्ट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स में पोस्ट कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया समर अराउंड मार्केट कर अगर फ्लैट खुलता है इस लेवल पे तो हम लोग वेट करेंगे, फ्लैट अगर यहाँ पे खुला तो हम लोग वेट करेंगे, लाइव डाटा एंड ओआई डाटा के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, नीचे के साइड हमें सेलिंग के लिए तभी प्रेफर करूँगा जब ये फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आए तभी मैं नीचे के साइड में सेलिंग के लिए प्रेफर करूँगा, अदरवाइज मैं सेलिंग के लिए प्रेफर ज़्यादा नहीं करूँगा कल परसों के दिन, क्योंकि थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकता है। ये स्विंग क्रॉस करने के साथ ही हम लोग ट्रेड लेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, ये गैप भर सकता है, फिर उसके बाद मार्केट 44,400 को टेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है, और गैप डाउन जैसे ओपन होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ये स्विंग क्रॉस करने लगे हम लोग ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 43,650। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।